जनपद में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी। मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है, उम्मीद है कि अगले दो दिनों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा और भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है। जनपद में वज्रपात की वजह से एक जगह जनहानि हुई है। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत सहायता दी जा रही है और नागरिकों से अपील की जा रही है कि बारिश के समय में घर से बाहर ना निकले, यदि निकलना भी है तो दामिनी ऐप पर देखकर बाहर निकले, जिससे वज्रपात से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार क्षेत्र में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी, जो कि उसी आधार पर अभी बारिश हो भी रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो दिनों तक भी इस तरह का मौसम बना रहेगा और कुछ जगहों पे फिर भारी से अधिक भारी वर्षा भी हो सकती है, तो लिहाजा भी मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। क्या लग रहा कहीं से कहीं जानमाल? देखिए वज्रपात के कारण कुछ जगहों पर एक जगह पे जनहानि हुई है सदर क्षेत्र में, तो उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत समुचित सहायता दी जा रही है और लगातार जन समुदाय को ये से आग्रह किया जा रहा है कि दामिनी ऐप का प्रयोग करें, घर से बाहर न निकलें, यदि कहीं बहुत आवश्यक है कहीं जाना है तो एक बार जरूर दामिनी ऐप को चेक कर लें कि किस तरह किस क्षेत्र में वज्रपात होने की संभावना है, तो उस अनुसार ही आगे ये रणनीति बनाएं और कोशिश करें कि घरों में ही रहें, क्योंकि इस समय मौसम जो है वो काफ़ी चेंज है इस समय।